आलू भुजिया नहीं, आलू गुंडा बोलते हैं, आलू गुंडा चाहिए भाई। तो गाइस कैसे देखो टेस्ट की हो रही है। सो हेलो गाइस, हम लोग हमारे गांव के नदी में आ गए हैं और गाइस यहां पे हम लोगों का है अल्टरनेटर और इस नदी को पार करके हम लोग जा रहे हैं ये घर। तो यहां से कुछ आधा किलोमीटर है हम लोगों का गांव और वहां पे हम लोग जाएंगे और थोड़ा कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद जाएंगे गाइस हम लोग नरहरपुर। और अगर नरहरपुर में काम नहीं हो पाएगा तो हम लोग जाएंगे कैंकर और नाइट भी हो सकता है गाइस आज। वीडियो पर एंड तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो गाइस चलते हैं बिना देरी के। घर पहुंच चुके हैं और ओमी भाई क्या कर रहा है आप लोगों को दिखाऊंगा, उससे पहले आप लोगों को मोंटी को मिलाता हूं गाइस। ये देखो मोंटी, मोंटी मम्मी कहाँ है, कहाँ है मोंटी मम्मी, मम्मी कहाँ है मोंटी दीदी। तो गाइस ओमी भाई यहाँ पे नाली बना रहा है। तो गाइस यहाँ पे ना हम लोग जो भी पानी वेस्ट करते हैं इधर नहाते हैं, जो भी बर्तन वर्तन साफ करते हैं वो पानी ना इधर जाता है। तो इधर का मतलब कुछ नहीं है गाइस, बस हरा हरा पेड़ पौधे हैं थोड़े थोड़े। तो इधर हम लोग जो साग सब्जी जगह हैं वो है, तो इस साइड ओमी भाई ले जा रहा है पानी। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है गाइस। और इधर हम लोगों का इस तभी हम लोगों के क्यारी में भी पानी जा पाएगा और हम लोगों का बोर भी ऐसा नहीं चलता गाइस, बहुत कम एवरेज है, करीब एक दो का मोटर है गाइस। तो हाँ ओमी भाई इसमें जो भी पानी वेस्ट होता है उधर फोकट में पानी जाता है गाइस नाली में, इससे अच्छा तो इधर जाएगा तो ठीक रहेगा। तो ओमी भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ओमी भाई क्या बोलेगा इसके बारे में, ओमी भाई से पूछते हैं भाई क्या बोलना चाहोगे। सच में जही तो गाइस ये बोल रहा है बैला जाने का। तो गाइस हम लोगों की नंदी भी आ रहा है, एक नंदी का भाई। तो गाइस हम लोगों के ना दो नंदी हैं हमारे यहाँ, एक नंदी का ना शायद गिर चुका है गाइस खेलते खेलते, उसका पैर ना लचक गया है एकदम से। तो ये लोग बोल रहे थे कि घर पे लाना था वो हिरन का बच्चा को, तो हिरन का बच्चा को हम लोग के यहाँ पालते गाइस उसको, और अच्छे से उसका पालन पोषण करके बड़े होते तक उसके बाद जंगल में छोड़ देते, यही हम लोगों को सीन था। लेकिन गाइस आप लोगों को बताऊँ कि उसकी मम्मी ना आस पास में ही थी इसलिए मतलब उसको छोड़ दिया गाइस वहीं पे जहाँ पे मिला था वहीं पे। कहाँ गई? और ये देखो ये लड़का पकड़ा बड़ा हरामी है, इसको पता है ना रे उसका एक्सपीरियंस लिया। अभी पप्पा जी मिलेंगे हम लोगों को यहाँ पे सामने में और हम लोगों को अल्टरनेटर बनाना है गाइस, आप लोगों को तो पता ही है। रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं गाइस हम लोग। हेलो गाइस हम लोग आए हैं कैंकर। तो गाइस हम लोगों का अल्टरनेटर है जो नरहरपुर में नहीं बन पाया और गाइस हम लोग कैंकर आए हैं, भैया जी बोले कि कैंकर जाओ कैंकर में बन जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल हैं महानदी रिवर के पास। तो हाँ गाइस यहाँ का लोकेशन देखो, बहुत ज़्यादा घास जगा हुआ है गाइस, मैं बहुत दिनों आया हूँ यहाँ पे और बहुत दिनों के बाद कैंकर जा रहा हूँ। तो देखो गाइस करीब 2-3 महीना हो गया था गाइस यहाँ पे पूरा घास जगा पड़ा है। तो अभी नाइट हो रहे हैं और अभी बज रहे हैं 5:30। तो हाँ गाइस ये थोड़ी दूर बचा है महानदी वर के आगे कैंकर है और वहाँ जाकर चलो पता करते हैं हम लोगों का अल्टरनेटर बन पाता है कि नहीं पाता, दुकान में जाएंगे फिर। हाँ गाइस थोड़ा सा लॉन्ग खाने रुके थे तो चलो गाइस चलते हैं बिना देरी किए और तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए, गुड बाय। हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे अल्टरनेटर बनता है और ये भैया शायद बनाएंगे यहाँ पे। तो हाँ गाइस यहाँ पे अल्टरनेटर बनेगा शायद और देखते हैं गाइस बन पाता है कि नहीं पाता। तो हाँ गाइस चेक दिस आउट गाइस, हम लोग कैंकर पहुँच चुके हैं और ये है नाका यहाँ इधर। तो हाँ गाइस ये बैरिंग मिल चुका है हम लोगों को, ये गैरेज
तो गाइस अल्टरनेटर में बैरिंग लगता है और हम लोगों को पता नहीं था कि अल्टरनेटर के अंदर दो बैरिंग लगता है, वही बैरिंग ख़राब होता है। तो एक्चुअली में गाइस वहाँ ना धूल घुस जाता है इसीलिए ख़राब हो जाता है बैरिंग। तो बैरिंग वैरिंग पूरा लग गया है अभी। तो हाँ गाइस यही बैरिंग है ख़राब हुआ। तो गाइस हम लोगों का अल्टरनेटर है जो बन चुका है और गाइस मैं सोचा नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा, बट भैया जी हैं यहाँ के बहुत जल्दी बना दिए। और गाइस हम लोग कल तक हम लोग उसको खोल के नहीं रखते ना गाइस, मैं चलाता हूँ जैसे भी, अगर वो अल्टरनेटर ख़राब था जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, अगर हम लोग खोल के कल नहीं रखते तो शायद ही हम लोगों का कल काम लग पाता वहाँ पे। तो हाँ गाइस मतलब गाड़ी को खड़ा नहीं करने का और हमेशा काम करने का गाइस, क्योंकि हमारे भैया जी वो गाड़ी को निकाले हैं और उसके लिए गाइस किस्त भी है गाड़ी का, इसलिए गाइस हम लोग रात ही रात आ गए वरना नहीं आना पड़ता। और गाइस ये हमारे ऊपर छोड़ दिए हैं कि आप लोग गाड़ी को चलाओ और जो कुछ भी होता है वो सब आप ही संभालो बोल के भैया जी हम लोगों को सौंप दिए हैं गाड़ी, अपने तरफ से फुल सपोर्ट देकर गाइस गाड़ी को चलाना है, जो कुछ भी होता है गाइस उसको हम लोग बना लेंगे। तो हाँ गाइस तो काम हो चुका है और थोड़ी देर बाद जाएंगे हम लोग घर और गाइस कल रोहित भैया को बुलाएंगे जो कि हम लोगों को भैया उनके पास भी गाड़ी है और वो शायद फैन बेल्ट लगाने में हेल्प करेंगे। तो हाँ गाइस अभी फ़िलहाल अल्टरनेटर बन रहा है और बनने के बाद हम लोग जाएंगे घर जल्द ही गाइस, हम लोग फिर से गाड़ी चलाएंगे। तो गाइस हम लोगों का काम हो चुका है गाइस सीधी इलेक्ट्रिकल्स में। तो गाइस हम लोग वो आते आते भूख लग गया तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं ये दुकान के पास, तो हम लोग खाएंगे अभी आलू भुजिया। और ये आगे से रोड जाता है वहाँ निकलेगा एक पेट्रोल टंकी के पास, वहाँ से राइट कटने के बाद सीधे नजरपुर जाते हैं और इधर जाते हैं गाइस नाका, और नाका के अगर लेफ्ट कटोगे ना तो वो जाएगा सीधा किसकाल, और गाइस अगर राइट लेते हो तो ये पूरा कैंकर घुमाएगा गाइस वो वाला रोड। आलू भुजिया नहीं आलू गुंडा बोलते हैं, आलू गुंडा चाहिए भाई। तो गाइस कैसे देखो टेस्टी हो रहे हैं यार। तो गाइस ये है चाय और ये है बिस्किट और इसको खा के हम लोग चलते हैं घर। तो हाँ गाइस तो आज का वीडियो इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इस पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट डे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय। तो हेलो गाइस हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे अल्टरनेटर बनता है और ये भैया शायद बनाएंगे यहाँ पे, क्या नाम है सिद्धि की इलेक्ट्रिकल्स। तो हाँ गाइस यहाँ पे अल्टरनेटर बनेगा।